फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ बीटरूट या चुकंदर राइस। ये बहुत ही बढ़िया बनता है, बहुत ही खिला खिला बनता है और बहुत ही टेस्टी है। इसके साथ साथ इसके कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी है। तो आइए देखते हैं ऐसे हेल्दी फूड के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। यहाँ पर मैंने लिया बीटरूट, घिसा हुआ 2 कटोरी है। उसके अलावा मैंने घी यूज़ किया है, आप चाहो तो ऑयल यूज़ कर सकते हो। फिर ये है सूखे मसाले, उसमें है फूल चक्र है, जावित्री है, तेजपत्ता, लौंग, जीरा, काली मिर्च, इलायची और थोड़ी सी दालचीनी। उसके अलावा 2 ग्लास चावल है, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट है। फिर हरी मिर्च है, पुदीना है, हरा धनिया, कटा प्याज है, हल्दी है, अदरक लहसुन पेस्ट है, आधा नींबू है और 2 टमाटर बारीक कटे हुए हैं। सबसे पहले मैंने 2 ग्लास चावल लिया, इसको धो के अच्छे से इसमें मैं पानी डाल के इसे मैं भीगने के लिए रख दूंगी। उसके बाद मैंने लिया है सेम उसी ग्लास से जिससे मैंने चावल लिया है 4 ग्लास पानी। 2 ग्लास चावल है तो मैं 4 ग्लास पानी ले रही हूँ। पानी डाल के मैं इसे गर्म होने के लिए रख दूंगी। चावल में हमें ठंडा पानी नहीं, गर्म पानी डालना चाहिए, उससे हमारे चावल खिले खिले और अच्छे बनेंगे। मैंने पानी गर्म होने रख दिया। अब दूसरे गैस पे मैं बर्तन रख रही हूँ जिसमें मैं बीटरूट राइस बनाऊंगी। बर्तन जैसे ही गर्म हो गया उसमें मैं डाल रही हूँ 3 स्पून घी। यहाँ पे मैं घी यूज़ कर रही हूँ, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, वही ऑयल जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं। उसके बाद मैंने डाला है फूल चक्र, तेजपत्ता, हरी इलायची, हरी इलायची को मैं खोल के डाल रही हूँ। उसके बाद मैंने डाला है लौंग, लौंग के बाद मैं डाल रही हूँ काली मिर्च, काली मिर्च के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ जावित्री और दालचीनी। उसके बाद अभी मैं डालूंगी इसमें जीरा। मसाले मैंने जितने डाले वो पूरे डालना कोई कंपलसरी नहीं है, आप इसमें से जो नहीं है वो स्किप कर सकते हो। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा प्याज, बारीक कटा प्याज डाल के उसमें मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। जैसे ये थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें डालूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे मैं पुदीना यूज़ की हूँ, पुदीना मेरे पास अवेलेबल था इसलिए मैं डाली हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के मैंने पुदीना और हरा धनिया डाला है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। जैसे ये थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा इसमें मैं डाल रही हूँ बारीक कटे हुए टमाटर। टमाटर डाल के हमको इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि टमाटर थोड़े से गल जाए। जैसे ये टमाटर थोड़े से गल जाएंगे इसमें मैं डालूंगी घिसा हुआ बीटरूट। बीटरूट घिसा हुआ 2 कटोरी है, अदरवाइज ये मीडियम साइज़ के 3 बीटरूट्स हैं। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि बीटरूट और सारे मसाले आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। मैंने इनको अच्छे से मिक्स किया है। अब मैं इसमें डालने वाली इसको थोड़ी देर ढक दूंगी, ढक के मैं थोड़ी देर पकने रख दूंगी। तब तक कि मैं चावल में से पानी निकाल दी हूँ, छन्नी में डाल के साइड में रख दी हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा और मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके अब मैं इसमें डालने वाली हूँ हल्दी। हल्दी कलर के लिए डाल रही हूँ, हल्दी डालने से कलर बहुत अच्छा आता है। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। जैसे ये थोड़ा सा पक जाएगा अब मैं इसमें डालने वाली हूँ चावल, वही चावल जिसको मैंने छन्नी में डाल के रखा था। चावल को डाल के हमें सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना चाहिए, मिक्स करना है ताकि बीटरूट मसाले और चावल आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको धीमी आंच पे हमको लगातार चलाते हुए मिक्स करना है। बीटरूट के कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स है, जैसे इसको खाने से हमारा ब्लड का फ्लो बढ़ता है, इसमें मैग्नीज है, पोटेशियम है, आयरन है, फाइबर है, कई सारे फायदे हैं। मैंने इसमें नमक डाला था, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। नमक डाल के हमको इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करके मैं इसको थोड़ी देर के ढक दे रही हूँ ताकि थोड़ा सा ये पक जाए, धीमी आंच पे रखी हूँ। फिर ढक्कन निकाल के मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी गर्म पानी। चावल हमारे 2 ग्लास है, पानी हमारे 4 ग्लास है। पानी मैं गर्म करके डाल रही हूँ, पानी हमें ठंडा नहीं डालना है। पानी डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद मैं इसको ढक दूंगी 5 मिनट के लिए। अब ये इसको मिक्स करके मैंने ढकने रख दिया है। 5 मिनट बाद मैं ढक्कन निकाल रही हूँ। ढक्कन निकाल के इसमें मैं आधा नींबू निचोड़ूंगी। नींबू इसलिए निचोड़ रही हूँ ताकि चावल खिले खिले बने। नींबू निचोड़ने से चावल खिले खिले बनते हैं। इनकेस अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप इसमें 1 स्पून सिरका डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो कोई कंपलसरी नहीं है। नींबू डालने का रीज़न यही है कि चावल खिले खिले बने। मिक्स करके धीमी आंच पे 5 मिनट के लिए और रखूंगी, या तब तक जब तक कि मेरे चावल पकेंगे नहीं। 5 मिनट हो गया, आप देख सकते हैं मेरे चावल काफ़ी अच्छे से बने हैं, काफ़ी खिले खिले बने हैं। मैं आपको जूम करके भी दिखा रही हूँ और मैं आपको मिक्स करके भी दिखाऊंगी। आप भी इसे बनाइए, खाइए और बताइए आपको कैसा लगा। फाइनली मैं इसके ऊपर धनिया पत्ती डाल के गार्निश करूँगी। अब ये चावल बन गया है, ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। टेस्ट तो है ही, इसके साथ साथ ही हमें कई सारे इसके फायदे भी हैं। तो आप भी इसे बनाइए, खाइए और बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।
आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।